सस्पेंशन ETJ बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सस्पेंशन जो होता है वो बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। बायोफेजिक मतलब जिसमें दो फेज होते हैं। सस्पेंशन अगर हम देखेंगे सिरप टाइप का रहता है, उसमें नीचे कुछ पाउडर टाइप का जमा रहता है, ऊपर पानी टाइप का रहता है, उसको हम सेक करके मतलब हिला के तब यूज करते हैं। का यूज ओरली, पेरेंटली, एक्सटर्नली भी करते हैं। क्वालिटी ऑफ ए गुड सस्पेंशन, जो अच्छे सस्पेंशन रहते हैं उसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला थोड़ा बहुत नहीं रहना चाहिए। नॉन इरिटेशन, इरिटेशन काज नहीं करना चाहिए। केमिकली इनर्ट डिस्पर्ट पार्टिकल शुड बी यूनिफॉर्मली साइज, मतलब उसमें जो पार्टिकल होते हैं एक साइज के रहने चाहिए। सेकिंग टाइम पार्टिकल्स रिडिजॉल्विंग रिपीडली, मतलब जब सस्पेंशन में जो नीचे की तरफ बैठा रहता है मतलब पाउडर टाइप का, उसको अगर हम सेक करते हैं तो तुरंत वो घुल जाए। सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म ए केक, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल जो होता है वो केक का फॉर्म नहीं करना चाहिए, मतलब केक जैसा जमना नहीं चाहिए। केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। टेस्ट देख लेते हैं। गुड टेस्ट, इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, ना कि अगर बीटर हो तो उसको हम नहीं ले सकते ना। सस्पेंशन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, हायर रेट ऑफ बायोबिलिटी। सोलूशन सस्पेंशन कैप्सूल टैबलेट, सबसे ज़्यादा सोलूशन का रहता है, फिर इसके बाद सस्पेंशन का, फिर कैप्सूल का, फिर टैबलेट का। और अगर हम देखें तो IV मतलब इंट्रावेनस रूट का सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी रहता है 100%। डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका, सस्पेंशन का। डिफ़िकल्ट टू फार्मूलेट, डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र, हैंडलिंग और ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टी होती है। सेक बिफोर यूज करने से पहले उसको सेक करना होता है, सेक मतलब हिलाना हो गया। सम टाइम कंटामिनेटेड। सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहला है ओरल सस्पेंशन, दिस सस्पेंशन आर एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट, इसको हम ओरल रूट के थ्रू यूज करते हैं, जैसे माउथ के थ्रू। दूसरा हो गया पेरेंट्रल सस्पेंशन, दिस सस्पेंशन आर एडमिनिस्टर्ड बाई पेरेंट्रल रूट, इसको हम पेरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्शन के थ्रू यूज करते हैं। पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन दैट इजीली पास थ्रू नीडल्स ऑफ द सिरिंज, जो पेरेंट्रल सस्पेंशन होता है उसका पार्टिकल साइज मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि सिरिंज या नीडल से पास होना चाहिए आसानी से, ये ना कि बड़े बड़े पार्टिकल हों। और तीसरा है ऑप्थाल्मिक सस्पेंशन यूज्ड इन आई, इसका यूज हम आई मतलब आँख में करते हैं। प्रिपेयर्ड ओनली वेन ड्रग इज लूबल इन डिजायर्ड सॉल्वेंट। फाइन पार्टिकल साइज मतलब छोटा पार्टिकल साइज होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। चौथा हो गया सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज, ऐसा सस्पेंशन जिसका यूज हम एक्सटर्नली करते हैं। दिस सस्पेंशन कंटेन वेरी स्मॉल पार्टिकल, इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं। यूज एक्सटर्नल, इसका यूज हम एक्सटर्नली मतलब बाहरी सतह पे करते हैं। अब देख लेते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में अंतर मतलब डिफरेंट क्या है। फ्लोकुलेटेड मतलब फास्ट सेपरेट डाउन मतलब ये जल्दी सेपरेट डाउन होता हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। और नॉन फ्लोकुलेटेड इसमें हो जाएगा स्लो सेपरेट डाउन, इसमें हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट केक, इसमें सॉफ्ट केक का फॉर्मेशन होता है, इसमें हार्ड केक का। ईजी टू रिडिस्पर्स मतलब उसको हम अगर हिलाएंगे तो मतलब आसानी से मिक्स हो जाएगा, इसमें डिफ़िकल्टी होती है। सुपरनेटेड लिक्विड इज क्लियर, जो ऊपर हमने बताया ना अभी सस्पेंशन दो फेज में होते हैं, जो ऊपर पानी टाइप का रहता है वो क्लियर इसमें रहता है और इसमें कम क्लियर रहता है।